हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल बॉयज़। आज हम इवेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इवेपरेशन होता क्या है। इवेपरेशन जो है कूलिंग प्रोसेस है। जब वाटर बॉडी हीट के कांटेक्ट में आती है तो हीट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है, अपने टेम्परेचर में लाने की कोशिश करती है, जिससे उस वाटर से कुछ एनर्जी रिलीज होती है। जो उस एनर्जी रिलीज होने के कारण वाटर इवेपरेट करता है, तो उसी को हम इवेपरेशन बोलते हैं। अब हम ये जानेंगे कि वाटर बॉडी कितनी एनर्जी रिलीज करती है। तो वाटर बॉडी 585 कैलोरी पर ग्राम एनर्जी रिलीज करती है, और जो वाटर होता है वो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इवेपरेट कर जाता है। जो वाटर लिक्विड है वो गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि हमने ये लिखा हुआ है, इवेपरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, हीट ऑफ इवेपरेशन इज अबाउट 585 कैलोरी पर ग्राम प्रोवाइडेड बाय वाटर बॉडी। इन दिस केस लिक्विड चेंज इनटू गैसियस फेज। इन दिस केस वाटर इज इवेपरेट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ये कोई वाटर बॉडी है, ये सन है, ये वाटर इवेपरेट कर रहा है, ये हीट इनलेट है एंड ये विंड स्पीड है। जब ये वाटर बॉडी हीट के कॉन्टेक्ट में आती है तो इस हीट को अपने टेम्परेचर में लाने की कोशिश करती है, जिससे उसकी एनर्जी में लॉस होता है। जब एनर्जी में लॉस होता है तो वाटर इवेपोरेट करता है। जब विंड वाटर बॉडी के ऊपर से फ्लो होती है तो वाटर बॉडी उस वार्म विंड को अपने टेम्परेचर में लाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वाटर इवेपोरेट होता है, उसकी एनर्जी में लॉस होता है। जब एनर्जी में लॉस होगा तो वाटर इवेपोरेट होगा। ओके, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको हम बताएंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन लॉसेज।